देखो भाई, ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि वो ग्राफ क्या डिनोट करता है। देखो ये पहला हम लोग जो डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम कर या डिस्प्लेसमेंट टाइम को दोनों एक ही चीज, दोनों एक तरह का हम कर लेंगे। डिस्टेंस टाइम कर कर में से हम ग्राफ बना, इसमें आप ये देखो आपका ग्राफ अगर ऐसे है, इसके इधर टाइम है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, टाइम वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये यस ओ एक्स वाई। अगर हमारे कर्व इस तरह से मिलता है, एक सीधी रेखा मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। अगर टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर देंगे, इसका मतलब व्हेन आई एम ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, देन इट विल बी कॉल्ड इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो ये क्या हुआ, आपका पोजीशन ऑफ रेस्ट है, मैंने बॉडी जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के साथ कोई डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है। अगर इस तरह का कर्व आपका मिलता है, ये डिस्टेंस यस, अगर आपका कर्व इस तरह का मिलता है तो ये जो कर्व है, आप देखिए इस कर्व में आपका स्लोप हर जगह पे बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, बस स्पीड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम आपको बताए हैं कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये आपका, और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कर्व डिनोट्स स्पीड। यहां v इक्वल देखो ये डेल्टा s, डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये स्लोप आपको। तीसरी चीज, इस कर्व से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो यहां नहीं हम लोग लेंगे, हम ये दो चीज इस कर्व में याद रखेंगे। तीसरी बात आप देखो, अगर ये कर्व इस तरह का मिलता है, ये देखो तो इसमें ये कर्व आपका इस तरह से मिला, यहां स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस के ट्रेवल नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये देखो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, यहां v इक्वल ds बाय dt लिखते हैं, जो आपको हम बताए थे कि ds बाय dt कैसे, यहां इंस्टेंटेनियस स्पीड आप निकालते हैं। अब इसमें देखो डिस्टेंस टाइम कर्व में एक्स एक्सिस पे आप टाइम लोगे, वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लोगे या डिस्प्लेसमेंट लोगे। अगर आपका कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यहां ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। दूसरा कर्व अगर मान लो कोई एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से
ये कर्व आपको मिल रहा है, तो यहां जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इस कर्व का जो स्लोप होगा वो डिप को डिनोट करता है स्पीड को। तीसरी चीज, अगर कर्व आपके टेढ़ा मेढ़ा आता है तो उस कंडीशन में स्पीड आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी। और स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है जब, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम निकालते हैं स्पीड को निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये चीज डिफ्रेंशिएशन आपको वो चीज नहीं जानना है, लेकिन बस इतना ही जानना है कि आपकी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर्टिकुलर टाइम पे हम जब स्पीड निकालेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो ये रहा हम लोगों का डिस्टेंस टाइम कर। टुमारो विल स्पीक अबाउट स्पीड टाइम कर और वेलोसिटी टाइम कर। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।